अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। सिवान में बीती रात अपराधियों ने एक युवक को चाकू मारकर मोबाइल और रुपए लूट लिया। घटना के बाद पीड़ित युवक को आनन फानन में सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना सिवान नगर थाना क्षेत्र की आंडर ढाला के समीप रविवार की रात की है। घटना में घायल युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के आंडर ढाला निवासी विजय सिंह का 19 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पीड़ित युवक आंडर ढाला स्थित अपने दुकान के सामने बाइक खड़ा करने के बाद ढाला पार दूसरे दुकान में कोई सामान लेने गया था। लौटने के दौरान दो की संख्या में लुटेरों ने पीछे से युवक के कमर में पिस्टल सटाकर सड़क के किनारे कोने में ले गए। उसके बाद युवक से बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बाहर निकाल दो। युवक अंकित कुमार सिंह ने जब इसका विरोध किया, इस बीच एक अपराधी अपने पॉकेट से चाकू निकालकर युवक के पेट में चाकू घोंप दिया। घटना के बाद अपराधी युवक के पॉकेट से मोबाइल और करीब 3,000 रुपये लेकर फरार हो गए। वहीं भागने क्रम में अपराधियों का चाकू वहीं गिर गया है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना के बाद सड़क पर तड़प रहे युवक को स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां पीड़ित युवक का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हमको लगा कोई पीछा कर रहा है, हम आके पर बाइक लगा के सामान लेना था तो मुझे नहीं गया, आ रहे थे इधर ढाला के तरफ, ढाला इस पर हम जैसे ढाला पार किए तो क्या के पीछे कमर पे पिस्टल सका दिया, बोला चल आगे चलते, उसके बाद हमको छोड़ दिया, बोला कि इन्होंने भाग लीस तो मारे मसाले बोले आगे आके बोला साइड में जाओ, उस गली में, गली में गए तो बोला जो बात दे छीनने के लिए आया था सब। हम मना किए जब तक वो एक यहाँ पर मारा तो हम हटाए साइड हटा जब तक बच्चा को मार दी, उसके बाद क्या उनको नहीं पैसा सभी छीन लिया, मतलब क्या पता स्माइकर था सब छीनने आया था सब क्या। ठीक है, अपना नाम बताओ। अंकित कुमार सिंह। पापा के नाम? विजय सिंह। ठीक। सिवान में बीती रात अपराधियों ने एक युवक को चाकू मारकर मोबाइल और रुपए लूट लिया। घटना के बाद पीड़ित युवक को आनन फानन में सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना सिवान नगर थाना क्षेत्र की आंडर ढाला के समीप रविवार की रात की है। घटना में घायल युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के आंडर ढाला निवासी विजय सिंह का 19 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पीड़ित युवक आंडर ढाला स्थित अपने दुकान के सामने बाइक खड़ा करने के बाद ढाला पार दूसरे दुकान में कोई सामान लेने गया था। लौटने के दौरान दो की संख्या में लुटेरों ने पीछे से युवक के कमर में पिस्टल सटाकर सड़क के किनारे कोने में ले गए। उसके बाद युवक से बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बाहर निकाल दो। युवक अंकित कुमार सिंह ने जब इसका विरोध किया, इस बीच एक अपराधी अपने पॉकेट से चाकू निकालकर युवक के पेट में चाकू घोंप दिया। घटना के बाद अपराधी युवक के पॉकेट से मोबाइल और करीब 3,000 रुपये लेकर फरार हो गए। वहीं भागने क्रम में अपराधियों का चाकू वहीं गिर गया है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना के बाद सड़क पर तड़प रहे युवक को स्थानीय लोगों के द्वारा आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां पीड़ित युवक का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हमको लगा कोई पीछा कर रहा है, हम आके पर बाइक लगा के सामान लेना था तो मुझे नहीं गया, आ रहे थे इधर ढाला के तरफ, ढाला इस पर हम जैसे ढाला पार किए तो क्या के पीछे कमर पे पिस्टल सका दिया, बोला चल आगे चलते, उसके बाद हमको छोड़ दिया, बोला कि इन्होंने भाग लीस तो मारे मसाले बोले आगे आके बोला साइड में जाओ, उस गली में, गली में गए तो बोला जो बात दे छीनने के लिए आया था सब। हम
हम मना किए जब तक एगो एक यहाँ पर मारा तो हम हाथ है साइड हटा जब तक बच्चा को मार दी उसके बाद क्या उनको नहीं पैसा सभी छीन लिया मतलब क्या पता स्माइकर था सब छीनने आया था सब क्या ठीक है अपना नाम बताओ अंकित कुमार सिंह पापा के नाम विजय सिंह